मल्टीप्लिकेशन टेबल किसी भी दिए गए नंबर का प्रोडक्ट 1 to 10 या 1 to 20 जैसा बोले, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग 1 to 10 लिखते हैं। अगर नंबर दिया हुआ यूजर से 5 है तो 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4, इस तरह से 5 into 10। ये जो प्रोडक्ट होता है इसी को मल्टीप्लिकेशन टेबल कहते हैं। जैसे 5 into 1 5, 5 into 2 10, 5 into 3 15, 5 into 4 20, इस तरह से 5 into 10 15, इस तरह से ये टोटल 10 तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल हुआ। इस मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर कि एक नंबर, एक वैल्यू है आई जो हमने लिया है 1 to 10, दैट मीन्स स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ आई विल बी 1, दैट मीन्स आई स्टार्टिंग वैल्यू इज 1 और 1 to 10 इट मूव्स एंड इट इज मल्टीप्लाई, दैट मीन्स आई वैल्यू हर एक टाइम आई का जो वैल्यू होगा वो मल्टीप्लाई होगा किससे, एन से, तो एन मल्टीप्लाई विथ आई, दिस इज दैट प्रोडक्ट बिटवीन 5 into 4, 5 into 2, 5 into 3, ईच टाइम वैल्यू ऑफ आई ईच टाइम विल चेंज। क्यू बेसिक में हम लोग जानते हैं कि हम लोग फॉर स्टेटमेंट लिखते हैं, फॉर के बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्टार्टिंग वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू क्या है आई का, आई का वैल्यू है 1, तो आई का वैल्यू स्टार्टिंग 1, 1 to नेक्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू है 10, तो 1 to 10 ये मूव करेगा। और इसमें हम लोग लिखते हैं यहाँ पर स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, बाय विच वे वी विल इंक्रीज। स्टेप 1 का मतलब हुआ आई का वैल्यू अगर 1 है तो 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, एक एक करके इंक्रीज कर रहा है। तो स्टेप 1 by 1 हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आई का वैल्यू 1 है तो 1 से स्टेप 1 आगे बढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम स्टेप 1 आगे बढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट आई बढ़ेंगे तो स्टेप 1 से तो 4 हो जाएगा, नेक्स्ट आई बढ़ेंगे तो 5 हो जाएगा, इस तरह से वैल्यू चेंज होगा। और फॉर इस तरह से लिखते हैं नेक्स्ट आई। ये जो पैटर्न है फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 10 नेक्स्ट आई स्टेप 1 नेक्स्ट आई, ये फॉर का स्टेप्स है, फॉर का सिंटैक्स इस तरह से यूज करते हैं फॉर को। इसके अंदर यहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी क्या करने की, तो कैलकुलेट करने की और प्रिंट करने की। तो हम लोग प्रिंट करते हैं प्रोडक्ट एन इंटू आई। अब बात आती है कि एन का वैल्यू क्या, तो एन का वैल्यू यूजर से हम इनपुट लेना है, तो यहाँ पर इनपुट स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे इनपुट इंटर एनी नंबर, इस जगह एन का वैल्यू जो हमने इनपुट लिया वही मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा हर बार। कब कब, तो आई का वैल्यू 1 से 10 तक जाएगा, हर एक वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई होगा और बाहर आएगा यहाँ पर इंट। हम लोग स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLS लिखते हैं। ये QBASIC का मल्टीप्लिकेशन टेबल का कमांड का, मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम का। ये यूजर से दिया गया वैल्यू होगा, ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये एंड वैल्यू है, ये फॉर लूप के अंदर कैलकुलेशन का पार्ट है, इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम को बनाएंगे। अगर इसी प्रोग्राम में रहता है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल 20 टाइम्स, तो आप इस 10 की जगह पर 20 मल्टीप्लाई पुट करते हैं, 20 वैल्यू पुट करते हैं तो ये 10 से जगह 20 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल हो जाता है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन टेबल का मतलब है कि आप 1 टू 10 बाय डिफॉल्ट करेंगे, लेकिन आप अगर चाहें तो इसको मल्टीप्लाई जितने वैल्यू तक चाहें उतने वैल्यू तक कर सकते हैं। थैंक यू।